आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है। लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी आचार ने अपनी किडनी डोनेट की है। पिता के लिए किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी आचार की प्रशंसा लालू प्रसाद यादव के कट्टर विरोधी भी कर रहे हैं। झारखंड में गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार का एक फोटो ट्वीट कर जमकर प्रशंसा की है। निशिकांत दुबे ने कहा, मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी, आज रोहिणी आचार को देखकर सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। मेरी नानी हमेशा कहती थी, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो। बता दें कि निशिकांत दुबे ही नहीं और भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी रोहिणी आचार के त्याग की प्रशंसा की है। तभी लोग रोहिणी के पिता के प्रति प्रेम और समर्पण की खूब तारीफ कर रहे हैं। रोहिणी आज पूरे समाज के लिए उदाहरण बन गई हैं। सभी कह रहे हैं कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी। आपको बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं और झारखंड के गोड्डा से भाजपा उन्हें उम्मीदवार बनाती आई है। निशिकांत दुबे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार जीत चुके हैं। उनकी 2 संतानें हैं। निशिकांत दुबे 2 बेटों के पिता हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।